हेलो एवरीवन uh, आज जो है हम पंप्स uh, के बारे में डिस्कशन करने वाले पंप क्या होते हैं कहाँ पर काम में आते हैं कौन कौन से टाइप के बेसिक पंप्स आपके uh, उपयोग में आते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इनकी वर्किंग uh, का मेथड होता है ठीक है तो बेसिकली पंप्स को आपने सुना होगा काफ़ी बार अपने हम रेगुलर uh, लाइफ में काफ़ी बार यूज़ करते हैं तो पंप्स का जो बेसिक पर्पज़ है हम पम्पिंग के लिए काम में लेते हैं इसलिए हम पम्प को आ, सिर्फ पंप आ, कह के ही पुकारे हैं आ, अब तक और हम लोगों ने कभी ये नहीं डिस्कस किया कि पंप को हमने सेंट्रिफिकल पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप रेयरली लेमन ले की लैंग्वेज में यूज़ किया होगा तो पंप का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है प्रेशर को इंक्रीज करना पंप का बेसिक पर्पस है ठीक है पंप को हम किस तरह से रन करते हैं तो आ, हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से हम पंप को रन करते हैं ओके प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला आप लोगों ने uh, पढ़ रखा है दैट इज़ पी इज इक्वल टू रो जी एच यहाँ पर रो क्या होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूड जिसका आपको प्रेशर बढ़ाना है जी क्या है वो ग्रेविटेशनल uh, एक्सेलरेशन है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ओके और एच इज़ दी हाइट बाई विच वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ दी फ्लूड ऑफ प्रेशर ऑफ़ द फ्लूड और बेसिकली हम यहाँ पर लिक्विड की ही बात करने वाले हैं कई बार इस हाइट टर्म को हम हेड से भी यूज़ करते हैं हेड से भी डिनोट करते हैं ठीक है और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में भी हमें अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो बेसिकली uh, पंप क्या है तो पंप्स आर हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट दी मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम किसी तरह से कोई मोटर या इम्पेलर को या पिस्टन को मूव करवाएं और उसकी हेल्प से हम आ, कुछ प्रेशर में इंक्रीमेंट कर पाएँ लिक्विड के प्रेशर में और ये जो डिवाइस जिसकी हेल्प से हम ऐसा कर पाते हैं उसको हम पंप कहते हैं ठीक है सो पंप इज़ जनरली यूज फॉर रेजिंग लिक्विड फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ठीक है तो पंप्स यूजुअली हम दो टाइप के देखते हैं फर्स्ट इज़ द देंट्रिफिकल पंप जो कि इस तरह के आप लोगों ने काफ़ी अपने रियल लाइफ में देखे होंगे लेमेन के लिए भी काफ़ी ये नो टर्म है नो पिक्चर है और ऐसा ही रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पजेस में काफ़ी यूज़ में आता है ठीक है दोनों ही फिगर्स में आपको यहाँ पर ये जो बड़ा सा डिवाइस दिख रखा है ये इलेक्ट्रिक मोटर है ठीक है यहाँ पर भी जो ब्लू कलर का डिवाइस दिख रहा है इलेक्ट्रिक मोटर है और जो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड का फिगर दिख रहा है ओके ये अटैच्ड फिगर जो है ये एक्चुअली पंप को डिनोट कर रहा है ऐसा ही इधर जो रेसिप्रोकेटिंग पंप ये वाला पोर्शन को डिनोट कर रहा है ठीक है तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो बेसिक पर्पस है यूज़ करने का वो है कि वो मोशन में स्टार्टिंग करने के लिए या फिर एनर्जी सप्लाई करने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर का ही यूज़ करते आए हैं ठीक है सो सेंट्रिफ्युगल पंप इज़ अ रोटो पंप पम्प दैट यूजेज अ रोटेटिंग इम्पैलर टू क्रिएट फ्लो बाई एडिशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्लूड तो हम यहाँ पर नाम से ही क्लियर है सेंट्रिफ्युगल पंप की मैं बात करूँ तो सेंट्रिफ्युगल मोशन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं ठीक है तो सर्क्युलर मोशन का यूज़ करेंगे डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर रोटेरी मोशन का यूज़ कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई हम यहाँ पर रोटो पंप की डिस्कशन कर रहे हैं ठीक है ये किस तरह के होते हैं तो ये इस तरह के होते हैं एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर से फ्लूड जो है वो सिस्टम के अंदर इंसर्ट करता है और वो फ्लूड जब इधर की ओर मूव करता है इस पोर्शन को हम आई कहते हैं आई ऑफ द पंप से ही इंसर्ट करता है उसके बाद में ये जो पोर्शन है ब्लेड्स आपको दिख रही है दैट इज़ नोन एज द इम्पेलर ओके तो इम्पेलर ब्लेड्स में इसका जब फ्लो होता है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों में ही इंक्रीमेंट होता है ठीक है तो जो फ्लूड को आपने पहले सक किया अंडरग्राउंड वाटर टैंक से जो कि नॉर्मली हम लोग यूज़ करते आए हैं तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक से आप लोगों ने वाटर को आ, सक किया और उसके बाद में आपने इम्पेलर में भेज दिया ये काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों में इंक्रीमेंट करता है और उसके बाद में हम वॉल्यूट से इसको पास करते हैं या केसिंग से इसको हम पास करते हैं और केसिंग से पास करने के दौरान हम ग्रेजुअली इंक्रीज डायमीटर की ट्यूब्स में से इसको पास करते हैं और ऐसा केसिंग में पास करने की वजह से क्या होता है कि जो कैनेटिक एनर्जी हमें आ, मिली थी उसको भी हम प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं और इसी की वजह से आपको प्रेशर एनर्जी में आ, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और ये हमारा पर्पज़ अचीव हो जाता है ठीक है सो दिस इज अबाउट दी पंप और ये बहुत ही क्लियर फिगर है जो कि आपको और भी इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पर देखो हमने ये जो पावर आपको दिख रही है ये पावर का मतलब ये है कि जो शाफ्ट है इस शाफ्ट को आपने कनेक्ट किया है इलेक्ट्रिक मोटर से तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो एक्चुअली इस शाफ्ट को रन करती है और जो ये शाफ्ट के रोटेट होने की वजह से यहाँ पर ये इम्पेलर रोटेट करने लगता है इम्पेलर आपको ये ब्लेड्स दिख रही है इधर और ये जब ये इम्पेलर का रोटेशन यहाँ पर होता है तो यहाँ पर एग्जैक्टली exactly क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ जहाँ से हम वाटर को सक कर रहे हैं वहाँ पर जो वाटर अवेलेबल है वो अपने आप से प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उसका मूवमेंट होता है और वाटर यहाँ पर थ्रू आई इसको इस पोर्शन को हम आई कहते हैं इम्पेलर आई जो लिखा हुआ है तो इम्पेलर का जो मिडल पोर्शन है दैट इज़ नोन एज दी आई ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है ये वाला आई कहलाता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इम्पेलर्स ने ये पोर्शन में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया फ्लूड का मूवमेंट इधर हुआ ये इम्पेलर से मूव करता है उसके बाद केसिंग में रोटेट में करके और ये इसका प्रेशर जब इंक्रीज होता था हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं ठीक है सो दिस इज़ द बेसिक वर्किंग इसको और भी क्लियर और जो टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट का डिस्कशन करते हैं कि कैसे इसका हम यूज़ कर पाते हैं तो देखो एकदम बॉटम से स्टार्ट करते हैं ये जैसा कि मैंने आपको कहा ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है इसको टैंक को नॉर्मली हम संप टैंक भी कहा करते हैं ठीक है जो ये इलेक्ट्रिक मोटर जिस पंप से कनेक्टेड है उसमें एक पाइप कनेक्टेड रहता है सक्शन साइड में ओके इनलेट साइड में और ये जो पाइप होता है इसके बॉटम में एक स्ट्रेनर होता है स्ट्रेनर आप सभी को पता है पानी में अगर कोई इम्प्योरिटी है तो उसको रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं इसके बाद में आप लोगों ने काफ़ी एक वर्ड को सुना होगा फुट फुटवेल्व ओके okay, तो फुट फुटवेल्व का हम यूज़ करते हैं यहाँ से क्या होगा वाटर को प्योरीफाई करने के बाद में फुट वेल्व जो कि एक वन वे वेल्व है यहाँ से वाटर ऊपर की ओर मूव करने लगता है ऐसा मूवमेंट क्यों हो रहा है जैसा कि मैंने आपसे पहले अभी बताया कि इम्पेलर के मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है ठीक है नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर वैक्यूम बन गया है एक तरह से और ये वैक्यूम बन गया है लो प्रेशर जोन है यहाँ पर ये यह वाटर जो है इसका एक सफिशियंट हाइट या डेफ्थ में कह दूँ अज्यूम करते हैं इसको मैं एच डेफ्थ की बात करूं तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा रो जी एच अगर ये एच हाइट है एच डेफ्थ है तो, तो रो जी एच डेफ्थ पे डेफिनेटली प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ पर फ्लूड का प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर बन गया है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लूड का मूवमेंट होने लगता है ठीक है तो यहाँ पर ये जैसे ही फ्लूड यहाँ पर इम्पेलर आई में मूव करता है इस फ्लूड को इम्पेलर से पास होना पड़ता है और इस दौरान क्या होता है जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले कहा था यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में और प्रेशर एनर्जी में आ, फ्लूड का इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलता है तो दोनों ही एनर्जीज़ में इंक्रीमेंट होता है और इसके बाद में ये फ्लूड जब यहाँ से मूव करता है ये जो आउटर पोर्शन है इस सर्कुलर पोर्शन के बाद में जो आपको देखने को मिल रहा है इम्पेलर के बाद में इसको हम केसिंग कहते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये केसिंग कहलाता है ये वैकेंसी जो है और यहाँ से फ्लूड का मूवमेंट इधर की ओर होगा और ये ऊपर की ओर चला जाएगा यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए इधर की तरफ जो एरिया है वो काफ़ी कम है और ग्रेजुअली इस एरिया में इंक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है ठीक है अगर आपको बेसिक साइंस का इंफॉर्मेशन है तो आपको पता होगा कि बर्नॉलिस थ्योम के थ्रू हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं आ, कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी कुछ हमें अवेलेबल थी हमारे पास में फ्लूड में जो एनर्जी थी इस एनर्जी को भी हम ग्रेजुअली इंक्रीज डायमीटर की ट्यूब्स में पास करके और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं तो होल एंड सोल हमें जो आउटपुट मिलता है वो प्रेशर एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ चुकी होती है और इस हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड को हम डिस्चार्ज कर देते हैं और ये ओवर हेड टैंक में पहुंचा देते हैं अब जो जो टर्म्स का यहाँ पर यूज़ आया है सक्शन हम जिस पाइप से करते हैं उसको हम सक्शन पाइप कहते हैं ये सक्शन फ्लैंज है जहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं सक्शन पाइप को सक्शन साइड ऑफ दी सेंट्रिफिकल पंप से यहाँ पर वैक्यूम गेज वगैरह लगा हुआ है जो कि प्रेशर को डिनोट करने में काम में आता है इम्पेलर मैंने आपको बता दिया प्रेशर गेज भी एक डिवाइस है जो कि प्रेशर को आ, हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो डिस्चार्ज लिक्विड है उसका प्रेशर कितना है ठीक है एस इज़ द शाफ्ट ड्रिवन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर और ऑयल इंजन मैंने आपको प्रीवियस फिगर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था सेंटर लाइन ऑफ दी पंप ये सेंटर ऑफ मास ऑफ दी इसके सेंटर uh, पंप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है क्योंकि हमें ये क्लियरिटी चाहिए कि uh, हमें कितना वाटर को सक करना पड़ रहा है किस हाइट से तो ये जो एच एस uh, है इसको हम एच एस से डिनोट करते हैं ये सक्शन साइड कहलाती है सक्शन साइड मतलब वाटर को आपको वैक्यूम क्रिएट करके कितना लिफ्ट करना है ओके okay. जब यहाँ पर एक बार वाटर आ गया है तो उसको पुश करना आसान है लेकिन आपको वाटर को पहले सक करना थोड़ा मुश्किल है खींचना मुश्किल है तो ये डेफिनेटली uh, हमेशा प्रयत्न किया जाता है कि जो सक्शन साइड है ये मिनिमम uh, से मिनिमम की जा सके और ताकि हम डिलीवरी हेड uh, को अच्छा खासा अचीव कर पाएँ तो इसको हम एच कहते हैं डिलीवरी हेड और ये सक्शन हेड है जैसा कि मैंने आपसे अभी प्रीवियस स्लाइड में ये बताया भी था कि एच को हम हाइट और हेड दोनों ही के रूप में डिनोट करते हैं एक्सप्लेन करते हैं तो उसका मतलब दोनों में सेम ही है तो डिस्चार्ज लेवल और जो सेंटर लाइन है ये इनके बीच की जो हाइट है उसको हम एच डी कहते हैं और सेंटर लाइन और सक्शन हेड के बीच की लाइन को हम सक्शन हेड कहते हैं ठीक है सो so, ये इस तरह का कुछ आपको ये आ, फिगर में देखने को मिल रहा है ऐसा ही कुछ फिगर का मूवमेंट होता है एक्चुअली यहाँ पर हम देखें कि पहले फ्लूड का फ्लो इधर की ओर हो रहा है और ये इम्पेलर आइस से मूव करके और ये सर्कुलर मोशन करके ऊपर की ओर मूव कर रहा है ठीक है आगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेलर्स की बात करते हैं तो ये जो एंक्लोज टाइप का इम्पेलर आपको मिल रहा है ये हम तब काम में लेते हैं जबकि हमको लेस विस्कस लिक्विड्स का डिस्क्रिप्शन करना होता है लेस लेस विस्कस लिक्विड्स को हमको प्रेशराइज करना होता है लाइक like वाटर और ऑयल्स ऑफ वेरी लेस विस्कोसिटी ये जो सेकेंड टाइप का इम्पेलर है ये आपका सेमी ओपन इम्पेलर कहलाता है जिसमें आपकी इम्पेलर की जो ब्लेड्स हैं वो एक साइड से डिस्क के ऊपर माउंटेड होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सेमी विस्कस जो लिक्विड्स होते हैं उनमें ये आपको काम में लिया जाना होता है ठीक है इसमें बेनिफिट ये होता है कि वो जो लिक्विड है एक तरफ से बाहर की ओर मूव नहीं कर पाएगा और प्रेशर हम आसानी से इंक्रीज कर पाएंगे ये जो आपको थर्ड टाइप का इम्पेलर दिख रहा है ये ओपन इम्पेलर है ये दोनों ही साइड से इसकी डिस्क का कवर आपको नहीं मिल रहा है तो ये जब बहुत ही हाई विस्कस लिक्विड्स uh, जब होते हैं ओके लाइक ग्रीस और समथिंग एल्स तो हाई विस्कस लिक्विड्स जब होते हैं तब हम ऐसे ओपन इम्पेलर सैंटिफिकल पंप का यूज़ करते हैं इसमें ये दोनों ही तरफ से खुला हुआ है और चूँकि ये लिक्विड काफ़ी विस्कस है तो उसके फिर भी ये अच्छे खासे प्रेशर को ये क्रिएट कर पाने में uh, सक्षम होता है ठीक है आगे की ओर मूव करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देंट्रिफिकल पंप की बात करते हैं हम लोगों ने एम्पेलर का डिस्कशन किया इट इज़ एक्चुअली टू प्रोवाइड मोशन और ये फ्लूड uh, को मोशन प्रोवाइड करने में काम में आता है ठीक है और यही वो पार्ट uh, है जो कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के भी काम में आता है सेकेंड हमने डिस्कस किया था केसिंग जो कि काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की या फ्लूड की बढ़ गई है उस काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन ये प्रेशर एनर्जी में करने में हमारे काम में आता है और ये फ्लूड को फ्लूड फ्लो को गाइड भी करता है ठीक है दोनों ही बड़े इसके काम होते हैं थर्ड इज़ दी सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप बूथ जो पाइपिंग सब में हमने यहाँ पे देखी वो सेंट्रिफिकल uh, पंप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा हमेशा प्रयत्न होता है कि सक्शन पाइप एज लेस एज पॉसिबल हम प्रयत्न करते हैं कि जितना कम से कम हो और डिलीवरी पाइप Uh, जो है वो भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं हो तो अच्छा है क्योंकि वो एक लिमिट तक ही हम उसको फ्लूड को प्रेशराइज़ कर सकते हैं बट डिलीवरी पाइप नॉर्मली हमारी रिक्वायरमेंट हुआ करता है कि हमको इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक uh, uh, फ्लूड को ऊपर uh, पहुंचाना है वगैरह बट सक्शन पाइप को हमारा हमेशा प्रयत्न रहे कि हम जितना कम कर पाएँ वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेंट्रिफिकल पम्प ओके नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट दी रेसिप्रोकेटिंग पंप हम लोगों ने जो यूजुअली हमारी लाइफ में देखा है वो सेंट्रिफिकल पंप ही हुआ करते हैं हम क्योंकि हम डोमेस्टिक परपजेज़ में सेंट्रिफिकल पंप का यूज़ करते हैं लेकिन कुछ और भी टाइप के पंप्स पॉसिबल हैं और वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंट्रिफिकल uh, पंप का मैं एक तरह से कह दूँ कि रिप्लेसमेंट uh, uh, भी कहीं कहीं पर होता है तो वो रेसिप्रोकेटिंग uh, पंप होता है तो ये क्या होता है कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग पंप इज़ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ओके क्यों हम इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर किसी प्रकार से वैक्यूम क्रिएशन भी हम यहाँ पर डेफिनेटली क्रिएट कर रहे हैं वो हम देखेंगे अभी वर्किंग में लेकिन आपको बहुत अच्छे खासा डिस्प्लेसमेंट uh, आपको दिखाई देगा इन दी पार्ट्स ओके जबकि सेंट्रिफिकल पंप में आपको ऐसा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा था एंड इट क्रिएट्स द लिफ्ट एंड प्रेशर बाय displacing the लिक्विड यूजिंग अ मूविंग मैकेनिकल एलिमेंट कॉल्ड plunger और पिस्टन तो यहाँ पर पिस्टन का हम एक्चुअली मूवमेंट करवाते हैं और वो हमें देखने को मिलता है और इसी वजह से इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहते हैं ये कुछ इस तरह का होता है हम यहाँ पर ये यह क्रैंक शाफ्ट वगैरह कनेक्टेड होती है और ये जूम करते हैं क्रैंक से ये आपका सिस्टम कनेक्टेड है जब ये रोटेट करेगी अगेन uh, मैंने कहा कि आपको क्रैंक को रोटेशन करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करना है वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर ही होगा सो वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर टू रन क्रैंक शाफ्ट ओके और ये क्रैंक शाफ्ट से आपके पिस्टन की रॉड कनेक्टेड होती है इसको हम पिस्टन रॉड कहते हैं इसके जब ये इधर की ओर घूमेगा जूम करते हैं इस फिगर में क्या होगा ये पिस्टन पीछे की ओर मूव करेगा जब पिस्टन पीछे की ओर मूव करेगा और इसके हाफ ऑफ दी मोशन के दौरान ये पिस्टन जब ये क्रैंक इधर मूव करेगी तो पिस्टन लेफ्ट साइड में मूव करेगा मतलब आगे की ओर मूव करेगा तो ये इसके जो टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन तो ये टू एंड फ्रो मोशन को ही हम क्या बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है इसी मोशन की वजह से इस टाइप के पंप को हम रेसिप्रोकेटिंग पंप भी कहते हैं ठीक है तो सेंट्रिफिकल पंप में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि वहाँ पर रोटेरी मोशन हो रहा था यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है जो कि हमारे को वाटर के प्रेशराइज करने में हेल्पफुल हो रहा है ठीक है ये एग्जैक्टली exactly कैसे काम करता है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और आई होप दिस फिगर इज़ वेरी गुड टू एक्सप्लेन दिस ओके okay. uh, ये वही चीज़ें हैं काफ़ी कुछ अब आपको समझ में आ रहा है यू ऑल नो देट इज संप लेवल यहाँ पर भी आप वही बातें डिस्कस कर सकते हैं संप पाइप होता है सक्शन पाइप हो गया ये सम्प टैंक हो गया सक्शन पाइप हो गया सक्शन वेल्व हो गया ये जो वेल्व है ये सक्शन वेल्व है और ये जो दूसरा वाला वेल्व है ये डिलीवरी वेल्व है ठीक है ये पिस्टन है जिसका मोशन राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में होने वाला है और इसके लिए होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल ये क्रैंक होने वाली है तो क्रैंक का जो रोटेशन है वो इसको टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करवाएगा ठीक है तो जब पिस्टन पीछे की ओर मूव करेगा मतलब इस दिशा में मूव करेगा तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा क्योंकि उस समय में ये डिलीवरी डिलीवरी वेल्व जो है वो बंद रहता है सक्शन वेल्व खुला रहता है यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इसके पीछे जाने की वजह से वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से लो प्रेशर मेंटेन होगा यहाँ पर हाई प्रेशर का लिक्विड ऊपर की ओर मूव करेगा और अंदर की ओर पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा ठीक है जब पिस्टन यहाँ पर पहुँच जाएगा और ऐसा कब होगा जबकि क्रैंक में इस वाले पॉइंट की पोजिशन यहाँ पर आ जाएगी ठीक है पॉइंट सी के ऊपर और ऐसा होने पर क्या होगा पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा ओके okay, उस केस में हम क्या करेंगे जब ये सेकंड हाफ मोशन की तरफ मूव करेगा तो पिस्टन आगे की ओर मूव करने लगेगा और इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन ये आपका सक्शन वेल्व क्लोज हो जाएगा और डिलीवरी वेल्व ओपन हो जाएगा और डिलीवरी वेल्व के ओपन होने की वजह से ये फ्लूड ऊपर की ओर मूव करने लगेगा और जहाँ पर हमको डिस्चार्ज करने की ज़रूरत है हम वहाँ पर इसको डिस्चार्ज कर देंगे जैसा कि मैंने प्रीवियस फिगर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सेंटर लाइन है और जो डिलीवरी लाइन है डिलीवरी uh, लेवल है इनके बीच की हाइट को हम एच डी कहते हैं मतलब डिलीवरी हेड और जो सेंटर लाइन और जो संप uh, टैंक का लेवल है इसके बीच की हाइट को हम सेक्शन uh, हेड कहते हैं तो एच डी एंड एच एस आर वेरी वेल नोन टू यू नाउ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट ओके यहाँ पर uh, बाकी जो है बेसिक फिगर्स से आपको क्लियर हो रहा है कि पॉइंट ए एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन की कंडीशन को अचीव करवाएगा और पॉइंट सी एक्सट्रीम राइट पोजीशन ऑफ पिस्टन को अचीव करवाने में हेल्पफुल रहेगा ठीक है सो मेन पार्ट्स की बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप के मेन पार्ट्स क्या होते हैं तो सिलेंडर विथ वेल्स एट इनलेट एंड डिलीवरी तो सिलेंडर uh, हमें यहाँ पे यूज करना जिसमें वेल्स हों ठीक है देन प्लंजर uh, और पिस्टन ये रेसिप्रोकेटिंग uh, मोशन के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए यही डिवाइस हमारे काम में आ रहा है ठीक है और इसके बाद में हम बात करें तो कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक मैकेनिज्म कनेक्टिंग रॉड जो है वो पिस्टन को पिस्टन एंड क्रैंक के बीच में uh, एक जोन क्रिएट करती है जंक्शन क्रिएट करती है और क्रैंक को रन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ कर रहे हैं ठीक है एंड इसके अलावा हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो सक्शन एंड डिलीवरी पाइप जो कि वाटर को मूव करवाने में हेल्प करते हैं विथ वन वे वेल्व ओके सो दीज आर फोर मेजर पार्ट्स ऑफ दी रेसिप्रोकेटिंग पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो मैंने अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इसमें एक बड़ी कमी हमें यहाँ पर देखने को मिली है कि जब पिस्टन पीछे की ओर मूव करता है मतलब राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब कोई भी डिलीवरी नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है एक इस केस में हमें एक प्रॉब्लम समझ में आती है कि इसकी जो सप्लाई होती है इंटरमिटेंट सप्लाई होती है या फिर मैं कहूं कि पल्सेटिंग सप्लाई होती है रेगुलर सप्लाई आपको नहीं देखने को मिलती है रुक रुक कर सप्लाई होती है सिस्टम में ओके तो रुक 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 कर जो सप्लाई हो रही है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है तो कभी भी आप ऐसा कोई सिस्टम अवॉइड uh, करना पसंद करेंगे जहाँ पर आपको uh, किसी भी टेप में अगर आप कहीं पर यूज़ करते हैं और आप वहाँ पर देखें कि उसमें रेगुलर वाटर रिलीज़ नहीं हो रहा है और झटके से वाटर रिलीज़ हो रहा है तो डेफिनेटली यू विल ट्राई टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ सिस्टम ओके तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने जो इसकी uh, कमी थी इसको अवॉइड करने के लिए एक दूसरे टाइप के हम पंप का डिस्कशन करते हैं दैट इज़ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप देखिए ज़रा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें इस ड्रॉबैक को रिमूव करने का प्रयत्न किया गया है तो देखिए इसमें क्या है पिस्टन की दोनों और मैं इसको मैं ए साइड कह दूँ इसको मैं बी साइड कह दूँ तो ए साइड और बी साइड दोनों ही साइड में आपके यहाँ पर सक्शन वैल्व और डिलीवरी वेल्व लगे हुए हैं तो यहाँ पर क्या होगा जब पिस्टन ए टू बी की ओर मूव करेगा मतलब राइट right डायरेक्शन में मूव करेगा तो लेफ्ट साइड वाला जो सिस्टम है उसमें सक्शन होगा और जो बी साइड वाला सिस्टम है राइट right साइड वाला सिस्टम है उसमें डिलीवरी होगी ठीक है और जब ये पिस्टन लेफ्ट साइड में मूव करेगा तब क्या होगा कि आ, ये इधर की ओर से डिलीवरी करेगा और यहाँ पर सक्शन होगा तो इस केस में क्या होगा कि इन बोथ द केसेस यू विल गेट द डिलीवरी तो यहाँ पर जो इंटरमिटेंट सप्लाई वाला इशू था उसको आपने कंटिन्यूस सप्लाई में कन्वर्ट कर लिया है ठीक है तो ये जो एक हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक था उसको हमने आ, इस यहाँ पर देखा कि इसको हम इम्प्रूव कर पाए हैं ठीक है तो ये एक बड़ा अच्छा एडवांटेज होता है और कई बार आपसे एग्ज़ाम में इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कई कंपिटेटिव एग्जाम्स में इसके बारे में डिस्कशन या कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं ओके कि सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग पम्प्स में क्या क्या डिफरेंसेस वगैरह के बारे में आपको तो ये सब आपको पूछा जा सकता है ठीक है सो नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द देंट्रिफिकल पंप एंड द रेसिप्रोकेटिंग पंप ओके सो इट इज अ रोटरी पंप दैट यूजेस कनेटिक एनर्जी ऑफ द इंपेलर जबकि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वो एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है रोटरी नहीं होता है टू एंड फ्रो मोशन होती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन होती है ओके तो यहाँ पर आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन देखने को मिलती है ठीक है दैन द फ्लोरेट डिक्रीज इज द मेकिंग द प्रेशर इंक्रीजेज जैसे जैसे फ्लोरेट डिक्रीज होगी यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको प्रेशर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा फ्लोरेट यहाँ पर डेफिनेटली आपको डिक्रीज होती है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन दी फ्लोरेट यहाँ पर फ्लोरेट का कोई डिफरेंस uh, कोई इफेक्ट प्रेशर के ऊपर नहीं पड़ता है ठीक है uh, और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर कम है समय के साथ में कम वाटर की यहाँ पर सप्लाई हो रही है तो यहाँ पर प्रेशर ही अच्छा खासा बढ़ा पाता है जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है अगर वाटर कम आ रहा है चाहे ज़्यादा आ रहा है प्रेशर आ, जो बढ़ना है जो आउटपुट प्रेशर होना है वो प्रेशर आ, उसका कोई रोल नहीं है कि कितना वाटर पर यूनिट टाइम इनलेट हो रहा है ठीक है सो फ्लूड इज़ डिस्चार्ज डिस्चार्ज कंटिन्यूसली यहाँ पर कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता है और ये जो रेसिप्रोकेटिंग uh, पंप है यहाँ पर हमने अभी डिस्कस भी किया था इंटरमीडियंट सप्लाई होती है अगर आपको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए तो आप डबल एक्टिंग पंप का यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? तो वो इसका एक एडवांसमेंट है टू गेट दी कंटीन्यूस डिलीवरी सो एफिशिएंसी इज़ लोअर व्हेन कंपेयर्ड विद दी रेसिप्रोकेटिंग पम्प्स तो uh, जब हम एफिशियंसी की बात करें तो uh, रेसिप्रोकेटिंग पंप के में की एफिशिएंसी कम हुआ करती है एटा से हम डिनोट करते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी आपको हाई मिलने वाली है प्राइमिंग प्राइमिंग क्या होता है कई बार आपने देखा होगा कि पंप जो है वो रन नहीं कर रहा है ठीक है आपने अ, इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन कर दिया है पंप अभी वाटर को लिफ्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या करते हैं थोड़े से वाटर को डिलीवरी साइड से वाटर को ऐड करते हैं ठीक है पाइप में पानी भरते हैं और या फिर जिस भी लिक्विड की आप बात कर रहे हैं वो लिक्विड भरते हैं डिलीवरी साइड से और उसके बाद में आप देखते हैं कि पंप को जब वो पॉजिटिव पुश मिलता है तो वो आ, इम्पेलर की हेल्प से वाटर को ऊपर की ओर मतलब डिस्चार्ज की ओर मूव कर पाता है ठीक है तो इस प्रोसेस को हम प्राइमिंग कहते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग पंप में प्राइमिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है सो एन इम्पेलर इज़ यूज इन ट्रांसफरिंग द फ्लूड यहाँ पर इम्पेलर का यूज़ करते हैं जबकि यहाँ पर सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का हम यूज़ करते हैं ठीक है सेंट्रिफिकल पम्प आर पोर्टेबल एंड लाइटर काफ़ी हल्के होते हैं और इनको हम मूवल भी कर सकते हैं और काफ़ी छोटे भी होते हैं जबकि सेंट्रिफिकल पंप के कंपेयर में अगर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो ये थोड़े भारी होते हैं और थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है इनको शिफ्ट करना ठीक है इट ऑफर्स हायर डिस्चार्ज एट लू हेड्स अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट को कम कर दें जैसे रेज्यूम करते हैं कि आपको दो मंजिल ऊपर पानी को शिफ्ट करना है उसके बजाय आप ये कहें कि आपकी जो ओवर हेड वाटर टैंक है आप उसको अगर नीचे लेके आ पाएं, किसी प्रकार से टेन फिट्स नीचे आप इसको रख दें तो ये वाटर का डिस्चार्ज यहाँ पर बढ़ जाएगा और तेज़ी से आपकी जो टंकी है वो बढ़ जाएगी जबकि ऐसा इस केस में नहीं होता है यहाँ पर हायर हेड्स पे ये बैटर होता है क्योंकि इसमें प्रेशर का इंक्रीमेंट बहुत अच्छा खासा हो जाता है ठीक है तो लो प्रेशर पर भी लो डिस्चार्ज पर भी ये हायर हेड्स तक पहुँचा सकता है ठीक है इक्विपमेंट कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी कम होती है जबकि रेसिप्रोकेटिंग पे पम्प्स uh, के केस में uh, हमारी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हायर होती है uh, इसके दो बड़े कारण हैं पहला तो फिक्स्ड कॉस्ट भी हायर होती है फ़िक्स का मतलब कि जब आप परचेस कर रहे हैं ठीक है और एक कॉस्ट होती है रनिंग कॉस्ट या रेगुलर कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट तो ये भी कंपेटिवली uh, uh, यहाँ पर आपको हायर होती है तो रनिंग कॉस्ट भी मैं कह सकता हूँ और रनिंग कॉस्ट वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको मेंटेनेंस कॉस्ट के तौर पे देख रहे हो क्योंकि इसमें ख़राबी होने के चांसेस कम्पेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं वैसे दोनों अलग अलग हैं बट रनिंग कॉस्ट इज कनेक्टेड हियर विथ द मेंटेनेंस कॉस्ट बिकॉज यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन होता है जर्की मोशन होता है झटके के साथ तो इस वजह से खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लेसर मेंटेनेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होती यहां पर maintenance required है यहाँ पर मेंटेनेंस ज्यादा रिक्वायर्ड है मोस्टली यूज फॉर डोमेस्टिक परपजेज एंड वेयर हाई डिस्चार्ज एट दी लो हैड इज नीडेड एंड मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रियल एंड हायर विस्कस फ्लूड्स पम्प एट दी हायर हेड ओके so uh, this is uh, the difference between the uh, centrifugal and reciprocating pumps okay so uh, this is all for today thank you very much uh